नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रिवस बाय सुष। धनिया की हरी चटनी जो हमारे बहुत सारे डिशेस के साथ सर्व की जाती है और स्वाद को दुगना करती है। आज हमारे टिप्स के साथ अगर आप चटनी बनाएंगे तो और सारे तरीके भूल जाएंगे, इतनी लाजवाब बनेगी। जार में डालेंगे पहले हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और ये जीरा, एक बड़ी चम्मच नींबू का रस और हमारा की इंग्रेडिएंट ये आलू की भुजिया है। आप बेसन की भुजिया, बूंदी ये भी ले सकते हैं और इसको ग्राइंड कर लेंगे। चटनी में देखिए क्या शानदार कलर आया है। आप एक बात गौर किए होंगे कि मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है। नमक जिस समय सर्व करेंगे उसी समय ऐड करेंगे तो इसका कलर ऐसे ही रहेगा। और इस समय जब हम पीस रहे थे तो हमने पानी डालना दिखाना भूल गए थे, तो हमने इतना पानी यानी 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड किया था पीसते समय। तो इस चटनी को आप 1 हफ्ते तक इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारी बहुत सारी डिशेज में यूज होता है। आज हम बताएंगे इसका सही रेशियो। गार्लिक की क्वांटिटी अदरक से दुगनी रखेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार हो गया, इसको हम इस कंटेनर में निकाल लेंगे। इस पेस्ट को आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है 2-3 महीने तक तो आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं ढक्कन बंद करके। ये आलू का टिप भी आपके बहुत काम आने वाला है। सवेरे हमेशा ये बात दौड़ होती है नाश्ता बनाने की या खाना बनाने की। आप इस तरीके से आलू उबाल करके रख लें पहले से, ये ऐसे ही छिलके सहित फ्रिज में रखेंगे तो ये आराम से 8 से 10 दिन चल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार निकालिए, छीलिए और फटाफट नाश्ता और खाना बनाइए। कुकर में दाल बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि लिड के पास से जब प्रेशर बनने लगता है तो यहाँ से पानी निकलने लगता है, जिससे बहुत गैस भी गंदी होती है और दाल भी खराब हो जाती है। इसके लिए बहुत बढ़िया टिप ये है, लिड में अंदर से पूरे में अच्छी तरीके से ग्रीजिंग कर दीजिए, चाहे ऑयल या घी जो भी हो वो लगा दीजिए। खासतौर से यहाँ वेंट के पास ज़रूर लगाएं, ऐसा करने से पानी पकते समय नहीं निकलेगा। ये टिप हमारा आलूओं को लेके है। कई बार हम आलू उबालते हैं और फट जाते हैं तो आलू का स्वाद खराब हो जाता है। इनको बड़े आराम से कैसे उबालें कि आलू फटे नहीं, इसके लिए हम इस तरीके से तली में लगा लेंगे। 1 साइज के आलू लेना है, ये ध्यान रखिए। आलू कोशिश करके एक ही तली लगाएं। अगर आलू आपको ज़्यादा उबालने हैं तब आप नीचे बड़े रखें ऊपर छोटे। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और अब डाल देंगे पानी। पानी बहुत ऊपर तक नहीं रखना, बस आलू डूबे रहें। अब 4 विसिल लगाएंगे। इसको देखिए दबा के देख रहे हैं, अभी हल्की कसर है। अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे, केवल 2-3 चम्मच पानी तली में छोड़ेंगे। इसमें देखिए हमने कुकर में से बिल्कुल पानी निकाल दिया है, केवल 2-3 चम्मच पानी है जो स्टीम बनाने में काम आएगा। और इसको हम रख देंगे बंद करके, स्लो हीट पर रखेंगे 3 या 4 मिनट के लिए बस। देखिए हमने पानी आवाज निकाला है और आलू अच्छे से गल गए हैं और एक भी आलू आप देखिए नीचे फटे नहीं है। आलू फटते नहीं है तो इसका स्वाद बरकरार रहता है। इनको आप ठंडा करके फ्रिज में रख दें, आराम से आपके 10-15 दिन चल जाएंगे और आलू खराब भी नहीं होंगे। आप मनचाहा नाश्ता जब चाहें तब बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रायता बनाने चलते हैं और देखते हैं कि दही जो है काफ़ी खट्टा हो गया है, क्योंकि रायता बनाने जो नमक वगैरह पड़ता है तो खट्टापन और बढ़ जाता है। तो उसको हम कैसे नॉर्मल लाएँ, बढ़िया मीठा और स्वादिष्ट बनाएं, इसके लिए बहुत बढ़िया टिप है। दही को लेकर के इस तरीके से एक बोल के ऊपर छन्नी रख के हम पहले थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे इसका पानी थोड़ा छन जाए। देखिए कुल 5 मिनट हुए और देखिए पानी कितना इसमें से निकल गया है। पानी के साथ तक काफ़ी हद तक खट्टापन भी निकल गया है। अब हम इसको हटा देंगे और देखिए ये दही एकदम गाढ़ी गाढ़ी है तो इसको हम पलट लेंगे। इसमें हम दूध मिक्स कर देंगे अपनी आवश्यकता अनुसार, जिससे कि ये आपके हिसाब से पतला भी हो जाएगा और एकदम फ्रेश जैसे दही होता है वैसे ही हो जाएगा, इसका खट्टापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप बाजार वाला दही यूज कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपको नहीं करनी पड़ेगी पानी निकालने वाली। आप सीधे सीधे दही लीजिए और उसमें आवश्यकता अनुसार दूध मिलाइए और आपका फ्रेश दही तैयार हो जाएगा और खट्टापन भी उसका खत्म हो जाएगा।
ये टिप हरी मिर्च को लेकर है। हरी मिर्च कई डिश में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार बहुत तीखी आ जाती है, तो उसके तीखापन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो हम काट देंगे, जो इसका टिप है, दूसरी मिर्च को मैं काट के दिखाती हूँ। ये ऐसे काट के अलग कर लेंगे और इसको बस धीरे धीरे इस तरीके से घुमाते हुए पोला कर लेंगे और सारे बीज देखिए बाहर निकल आएंगे इस तरीके से। देखिए सारे बीज निकल गए और बीज में ही होता है असली तीखापन। अब आप आराम से इसको इस तरीके से बीज से काटिए और काट करके यूज कर लीजिए जिस डिश में भी चाहें। ये टिप देखिए चाय पीने वालों के लिए बहुत ही खास है। जब हम दही छन्नी लाते हैं तो उसकी शक्ल देखिए ऐसी होती है, और जब काम करते हैं करते करते देखिए किस तरीके से हो जाती है, जब चाय की पत्ती और दूध मिलकर ऐसे जम जाता है, चाय छानने में मुश्किल होती है। इसके लिए बहुत बढ़िया टिप मैं बता रही हूँ। इस तरीके से गैस को हम जला लेंगे और इसको हम रख देंगे, इससे जितनी भी जो जमी हुई है वो जल जाएगी। इसको इस तरीके से सब तरीके ऊपर से नीचे से साइड से इस तरीके से घुमा घुमा के जला दीजिए, जितनी भी गंदगी है वो सब जल जाएगी और निकल जाएगी। ये देखिए जो भी गंदगी थी इसकी जल के निकल गई और कितनी साफ निकल आई छन्नी, आराम से आप प्याज छान सकते हैं। ये टिप उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। बर्तन में दूध उबालते समय कई बार तली में दूध जल जाता है, जिससे दूध का स्वाद खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए पहले बर्तन को इस तरीके से पानी से गीला कर लीजिए और डालिए तली में 2-3 चम्मच पानी, फिर दूध डालें, दूध कभी नहीं जलेगा। जो लोग भी पूजा करते हैं इस तरीके की बत्तियां गोल लेकर के मार्केट से आते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है, हम आपको दिखाते हैं। जब भी हम गोल बत्ती ऐसे रखते हैं और तेल डालते हैं इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होकर के ये डूबती रहती है, इसका एक बहुत ही सही तरीका हम आपको आज बताएंगे। गोल बत्ती को इस तरीके से लें और नीचे से ये हल्का हल्का इस तरीके से फैला दें। अब धीरे से इसमें रखेंगे और ये देखिएगा बिल्कुल भी डूबेगी नहीं। ना डूबेगी ना ही टेढ़ी होगी। देखिए है ना बहुत आसान सा हल। ये टिप उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा।